नमस्कार साथियों, इन बार न्यूज के फेसबुक लाइव पेज पे मैं अभिषेक सिंह आमेरा आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस वक्त जो लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये आना सागर झील है और यहां पर कल एक रात महिला वो अपने बच्चे के साथ यहां आए थे जो कि जयपुर भांगरोटा निवासी हैं और वो महिला हैं जो कि मानसिक थोड़ा असंतुलन बताया जा रहा है और वो यहाँ पर कल आना सागर झील में कूद गई थी, जिनकी कल रात्रि मौके पर उनकी बॉडी को बरामद कर लिया गया और उसके पश्चात उनका 21 वर्षीय पुत्र अनुभव है जो कि वो नहीं मिल पा रहे हैं, जिसको अभी सिविल डिफेंस टीम द्वारा यहां पर मौके पे सर्च वारंट करके उनको ढूंढा जा रहा है, जो कि आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। जैसा कि बताया जा रहा है, 21 वर्षीय अनुभव बीटेक करे हुए थे और उनको सर्च किया जा रहा है। जैसे कि मौके पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर SDRF की सर्च टीम पूरी तरह से उन्हें सर्च कर रही है और पुलिस प्रशासन भी मौके पर यहाँ मौजूद है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से 21 वर्षीय अनुभव को ढूंढा जा रहा है। उस बच्चे की चप्पल या संदिग्ध रूप से पाई गई है, जिसकी SDRF वे सिविल डिफेंस वे गोताखोरों द्वारा यह मौके पर श्रीमान SHO साहब SP साहब के निर्देशन के अंदर ये सर्च करवाया जा रहा है, मिलने पर नियमानुसार। परिजनों द्वारा कारण बताया कूदने का, क्या कारण? परिजनों द्वारा मानसिक अवसाद के अंदर 4-5 साल से उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं होना बताया है। वैसे ये जयपुर से निकले हैं, जयपुर का ही मामला है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे, जैसा कि ASI गंज थाना के बलजी ने बताया कि कल की घटना है, कल जयपुर से ये निकले थे और इनके परिवारजन से बात हुई तो जो मृतिका है उनके पति ने ये बताया कि वो अपने पुत्र को लेके निकली थी और ऐसा बोल के निकली थी कि वो वहाँ अजमेर को इंटरव्यू दिलाने जा रहे हैं अनुभव को, और उनके साथ कल यहाँ आए और मौके पर कल उनकी बॉडी तो बरामद कर ली गई, लेकिन जो उनका पुत्र है अनुभव वो अभी तक नहीं मिला है और SDRF की टीम भी यहाँ आने वाली और सिविल डिफेंस के द्वारा काफी समय से सर्च किया जा रहा है, जो कि आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जयपुर के भांगरोटा निवासी थी मृतक महिला और उनका पुत्र 21 वर्षीय जो कि बीटेक करावा अनुभव, वो यहाँ कल जयपुर से आए और जो मृतिका है उनकी तो कल बॉडी बरामद कर ली गई, लेकिन जो उनका 21 वर्षीय पुत्र है अनुभव वो अभी तक नहीं मिला है और सिविल डिफेंस टीम द्वारा काफ़ी देर से सर्च वारंट किया जा रहा है और उन्हें ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए NBharat News। मैं अभिषेक सिंह आमेरा, जय हिंद जय भारत।